काफी क्यूरीज आ रही हैं कि हम पेंटिंग कैसे सेल करें। उस पे भी हम अभी, जो लोग आर्ट में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए डिग्री जरूरी रहती है? मतलब अच्छा देखिए, तो ये जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, इनमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस? वी वेलकम यू ऑल टू दिस लाइव सेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिक सोनी, फाउंडर ऑफ ड्रोमोर। एंड आई एम हैप्पी सोनी, को फाउंडर ऑफ ड्रोमोर। ओके, तो जैसा हमने आप लोगों को अनाउंस किया था कि हम एक लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे विथ ए स्पेशल गेस्ट, जिस पे हम कुछ एस्पेक्ट्स पे, कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिल्ड अ करियर इन आर्ट। आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हमने अभी तक ड्रोमोर से 10 सीजन सक्सेसफुली कर चुके हैं। हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं नेशनल आर्ट कॉन्टेस्ट, और उसमें लगभग हम 3 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं विनर्स को। अभी हमारी एक वर्कशॉप भी हुई थी भोपाल में, उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। जी, तो जैसा कि हमने बताया है कि हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, उनका नाम है जॉयदीप भट्टाचार्य जी। जो कि त्रिपुरा अगरतला से आते हैं, जी, तो हम उन्हें इनवाइट इनवाइट करना करना चाहेंगे। चाहेंगे। वेलकम जॉयदीप जी। हेलो, हेलो जॉयदीप जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हम भी हम ठीक भी हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर लाइव सेशन। पहले मैं थैंक मेरा खुद का यू टू इंट्रोडक्शन यू फॉर दे ज्वाइनिंग हाँ अस। थैंक यू टू यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू। हाँ बोलिए। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज। अच्छा, नमस्ते सभी को। मेरा नाम जयदीप भट्टाचार्य जी है और मैं अगरतला त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का। और मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट अगरतला त्रिपुरा में एज ए टीचर अपॉइंटेड हूँ। तो ये मेरा परिचय है फिलहाल। और एक्चुअली मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, मैं ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप अपने रीजन को क्यों बोलते हो। एक्चुअली मैं इंडिया से ही हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो थैंक यू ड्रोमोर, कार्तिक जी और हैप्पी जी, जिन्होंने मुझे ये सेशन में इनवाइट किया, और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो ड्रोमोर को लाइक करते हैं, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बिलेटेड मेरी क्रिसमस एंड अपकमिंग न्यू ईयर एवरीवन। ओके ओके, तो अभी आप प्लीज बताएंगे कि अभी आपको किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? एक्चुअली देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम ग्रुप में एक्चुअली पहले पार्टिसिपेट किया था हम लोगों ने। एक्चुअली मायंक शुक्ला करके एक जन जिन्होंने ये अरेंज किया था, तो उसमें एक ही टाइम पे सबसे ज्यादा आर्टिस्ट खुद का पेंटिंग बनाते हुए प्रोफाइल अपलोड करे, मतलब पिक्स अपलोड करे। तो उसमें मुझे ड्यूरिंग लॉकडाउन में ये सेशन हुआ था, तो इतना ज्यादा इसको मैंने शेयर वगैरह किया था, बट इतना ज्यादा ये नहीं हुआ। तो ये ग्रुप में था एक्चुअली। तो रिसेंटली मैं इन्फ्लुएंस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और अभी 2 में फिलहाल मैं अप्लाई किया है मैंने एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसका रिजल्ट अभी निकला नहीं, वेरिफिकेशन चल रहा है। एक्चुअली मैंने जिस टॉपिक्स पे किया है तो है लास्ट पास 3 इयर्स जो गए 2020, 2021 एंड 2022 में, सबसे ज्यादा न्यू मीडिया डिजिटल आर्ट फॉर्म में मैंने सबसे ज्यादा एग्जीबिशन किया और मुझे अवार्ड्स मिले।
जो कि अभी तक फिलहाल मेरे नजर में तो नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक जगह से तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला और बाकी दो जगह देखते हैं क्या होता है, वो लोग कैसे इसको लेते हैं। तो मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दिया ऑलरेडी। तो एक्चुअली वो न्यू मीडिया डिजिटल आर्ट एक्चुअली मैं परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है। मैं अभी आप जो बोलोगे उसमें उसके अंदर ही इसका डिटेल्स मैं बोलूंगा फिर बाद में। तो फिलहाल तो ये है, इन्फ्लुएंस ओके बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे मिला ही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जॉयदीप फॉर योर वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो थैंक यू आप ऑडियंस को हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। जर्नी मतलब ट्रेवलिंग। आपने कैसे स्टार्ट किया है जी फ्रॉम बिगनिंग। अच्छा, एक्चुअली मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, जो कि एक छोटा स्टेट है बट कल्चरली डेवलप्ड है अभी। तो मेरा बचपन से, मेरा जो नाना जी थे, मम्मी का पापा, नाना जी एक पेंटर थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से वो पास आउट थे। तो यहाँ पर त्रिपुरा में वो एज ए टीचर अपॉइंटेड थे। तो ये हो सकता है कि जेनरेशन वाइज हो वो चीज। तो मेरे बचपन से ही मुझे आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में जो भी है, मेरे अदर भाई बहन और जो भी अंकल, सभी डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर लेवल में ही है। एक्सेप्शनल मैं ही हूँ कि मैंने ये लाइन चूज किया, क्योंकि सभी, देखिए सभी पेंटिंग वगैरह करते हैं बगर कल्चरल लाइन में जुड़े रहते हैं, बट अगर प्रोफेशन चूज करना हो तो सभी डॉक्टर इंजीनियर ही करते हैं। इस लाइन को ज्यादातर नहीं करते अभी भी, क्योंकि इस लाइन के संबंध में इतना ज्यादा ज्ञान सभी को नहीं है और पेरेंट्स भी नहीं चाहते कोई रिस्क ले। तो रिसेंटली ये बैरियर्स टूट रहा है और स्टूडेंट्स बहुत सारे जा रहे हैं ये फील्ड में। तो मेरा जर्नी वहां से ही स्टार्ट हुआ। मैंने बीएससी बैचलर सॉरी बीएससी बायो साइंस में किया, उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मैंने किया। और उसके बाद ही मुझे ये नौकरी मिला। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू था जो स्टेट गवर्नमेंट अरेंज किया था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे 2010 में ये जॉब मिला। अभी भी ये काम कर रहा हूँ, मैंने पेंटिंग और साथ में तो प्रोफेशनल काम तो चलता ही है। और उसके अलावा मैं, मेरा एक छोटा सा चाइल्ड आर्ट स्कूल है जहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चे को ड्राइंग सिखाता हूँ। ये बहुत मेरे स्टूडेंट लाइफ से ही है, अभी भी चल रहा है। जो अभी 23rd मैंने 23 साल कंप्लीट हुआ उसका। अच्छा तो आपका खुद का एक चाइल्ड स्कूल है। हाँ, ग्रेट ग्रेट जेबी स्कूल ऑफ ग्रेट फाइनेंस, जेबी आपने स्कूल ऑफ अच्छा फाइनेंस बोला। बोल के वो है। तो उसके स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये मेरा सौभाग्य है कि उन स्टूडेंट के दौलत मुझे इतने जगह जाने को मिला। खुद राष्ट्रपति के सामने भी मुझे जाने को मिला, विज्ञान भवन में कई बार मैं गया उन लोगों के थ्रू। और मेरे जो स्टूडेंट्स है अभी डॉक्टर इंजीनियर के अलावा वो लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग निफ्ट में पढ़ रहे हैं और आर्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे लिए एज ए टीचर के तौर पर बहुत ज्यादा सक्सेस है, मैं उनको मोटिवेट कर पाया। तो ये सक्सेस का एक स्टेप है मेरे लिए। काफी अच्छी बात है। तो आप को किस चीज ने इंस्पायर किया आर्टिस्ट बनने के लिए? आप में क्या पहले से टैलेंट था या आपने आगे जाके या किसी को देखकर सीखा? आपको इंस्पिरेशन मिली? हाँ, इंस्पिरेशन तो मेरा नाना जी थे, बट एक्चुअली तब का, जब मैं तब बहुत छोटा था, उनका जब डेथ हो गया तो उनको मैं कुछ साल ही देख पाया ठीक तरह से, मैंने काम करते हुए। तो उनका इतना बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड एज ए मैंने मैं बोलो आर्थिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था। तो मेरे पापा स्पेशली नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊं, क्योंकि उसका करियर कैसा होगा या क्या होगा ये उनको भी पता नहीं था। तो मैं, मुझे पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और मेरे साइंस मैंने ग्रेजुएट किया इसलिए क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा पेंटिंग करना होता है, तो पेंटिंग करना होता है इसलिए मैंने साइंस लिया। बेसिकली मैं आर्ट्स का ही स्टूडेंट हूँ। तो मैंने पापा की जो बोला, उनके
बिहाफ ऑफ मैं चला, मैं बीएससी कंप्लीट किया, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मुझे मिला मैंने पापा को दिया, देके बोला प्लीज मुझे अभी छोड़ दो, अभी खुद का पढ़ाई करना है, अभी तो तुम्हारा पढ़ाई मैंने कर दिया, तुम जो एक्सपेक्ट किया था मुझसे। तो उसके बाद मैं इस लाइन में आया, बहुत संघर्ष हुआ इसके बीच, तो ये इंस्पिरेशन था, मेरे बचपन से ही था कि मैं इस कोई भी कल्चरल लाइन को ये करूं, मैंने एडॉप्ट करूं। पेंटिंग फर्स्ट चॉइस था मेरा, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग भी मेरा बहुत इच्छा था, उसमें भी काम करे, बट वो नहीं हो पाए, इतना उसके लिए जितना सारा पैसा चाहिए होता इतना नहीं था उस टाइम पे फैमिली में, तो इक्वली मेरे सिस्टर भी पढ़ रही थी, तो वहां से स्टार्ट किया, और अब तक जितना भी अचीवमेंट मिला इसके थ्रू ही, पेंटिंग के थ्रू ही मिला, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, फिर मैं आर्ट के थ्रू ही मैं यूरोप गया, अभी लंदन भी गया, रिसेंटली भी जाने वाला हूँ, मैंने था इस थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ ये, तो ये जो चीज था, एज अ कॉमन पीपल खुद का पैसा लगा के जाना एक चीज होता है, और आपको प्रमोट करने के लिए ले जाना वो बहुत बड़ी बात होता है, तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद पापा, स्पेशली पापा, फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्ट करते हैं अभी इस फील्ड में, तो यही इंस्पिरेशन सोर्स है मेरा। और हाँ, मेरे जो गुरुज है जिनके पास मैंने सीखा है बचपन से, मैंने आर्ट कॉलेज से जिनके पास सीखा है मैंने, वो मेरा इंस्पिरेशन सोर्स है, उनको उनको देखकर ही मैंने सीखा। रविंद्र भारती में मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो गुरु थे, वो इतने कोऑपरेटिव थे, इतना अच्छी तरह से गाइडेंस उनका था हमारे ऊपर, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रहा। अब जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें, मतलब उनको अपनी लाइफ से जो लाइफ के रोज के काम है उनसे उनको आर्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। जैसे कुछ लोगों की जॉब्स रहती है, जैसे आपकी देख लीजिए, आप टीचर हैं बहुत तो आपको वो कॉलेज जाना हो, बहुत कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं तो बहुत उनको पढ़ाई के अलावा उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो ये तो चीज वो एक्चुअली कैसे मैनेज करें। हाँ तो एक्चुअली ये बात आपने सही बोला है, बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज लाइफ मेरे हिसाब से सबसे बेहतर लाइफ है, जिसमें आप मन लगा के काम कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होता है कि मैंने क्या करना है, अर्निंग करना है। अभी जब आप अर्निंग में लग जाते हो तो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, जितना भी कमाओ उतना ही खर्च होता है, तो ये एक बैलेंस करना खुद का, फिर मेरे लिए काफी ये चैलेंजिंग रहा, और एक्चुअली मेरा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी था, आई का प्रॉब्लम, जैसे देखते हो मैं स्पेक्टेकल पहने हुआ, मेरा जो काम है उसके अगेंस्ट ही मेरा सब प्रॉब्लम से, फिर मैंने एक चीज सोचा कि अल्टीमेटली मुझे इस लाइन पे आना था और मैं इस लाइन पे मैं आया, तो ये लाइन ही है जिसको मैं एकदम फ्री माइंड से विदाउट एनी बैरियर्स में कर सकता हूँ, पेंटिंग कर सकता हूँ, अब मेरा जो फीलिंग्स है वो वहां पर शेयर कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने टाइम निकाला, स्टूडेंट्स भी किया और ट्यूशंस भी किया, और कॉलेज भी मेंटेन कर रहा हूँ, फैमिली भी मेंटेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मेरा खुद का टाइम निकालता हूँ। हाँ, ह्यूज तरह का काम नहीं कर पाता हूँ अभी, मैंने एक काम पकड़ता हूँ तो कुछ टाइम तक ये काम को लेकर ही टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज रहता है, तो काम ज्यादा हुआ था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तब सब ऑनलाइन प्रोसेस में था, तो घर में ही बैठा हुआ था, तो बहुत सारे काम उस दौरान हो गया, ये एक मैंने मेरे लिए एक पॉजिटिव जगह था। इस कोविड मतलब आपने या अपने वो लाइफ को लॉकडाउन एंजॉय तो कोई करने नहीं के चाहता है, बट मेरे लिए ये मेरे जैसे सब आर्टिस्ट के लिए ये एक स्पेस था, एक टाइमिंग था, जो जिन्होंने काम किया बहुत ज्यादा घर में बैठे हुए, तो क्या करेंगे, बोर होंगे, इसके नया सा इन्वेंशन किया, और नेशनल अवार्ड जो मुझे मिला रिसेंटली सीमा आर्ट गैलरी के थ्रू, तो इस काम पे ही मिला एक्चुअली। हाँ एक्चुअली देखा जाए तो जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन रहा था लोगों के लिए काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा लोगों पर, लेकिन आर्टिस्ट के लिए गोल्डन टाइम ही था ये। एक्चुअली आपके साथ जुड़ना वही टाइम पे ही था मेरा भी।
ठीक है ना। तो ड्रमर को हाँ मैंने एक्चुअली पहचाना हमने तो हम ड्रोमो से नहीं, तभी स्टार्ट हाँ तो नहीं तो ये सब ड्रोमो से ओपन। तभी स्टार्ट हुआ। हाँ, ग्रेट। ओके तो अभी तक का आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? जैसे आप अलग अलग जगह जाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, तो कुछ इवेंट या एग्जीबिशन बेस्ट दो एक्सपीरियंस अभी तक का आपका? स्पेशल मोमेंट है, दो स्पेशल मोमेंट है। एक तो है जब मैं यूरोप गया था, जब मैं लुवर म्यूजियम में गया, जब मोनालिसा के पास खड़ा हुआ, जब लियोनार्डो दा विंची के वर्क के पास खड़ा हुआ, जब मातिस के वर्क के पास खड़ा हुआ, जब वैन गॉग के वर्क के पास खड़ा हुआ, तो इस वो वाला एक्सपीरियंस मैं शब्द में मैं बयान नहीं कर पाता हूँ। इतना इतना अच्छा था कि जिनका काम हम नेट में या बुक्स में हम डायरेक्टली सामने से देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। और दूसरा चीज ये बात है कि रिसेंटली जो सीमा आर्ट गैलरी में मुझे सीमा अवार्ड मिला, तो जो कि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है आर्टिस्ट के लिए। हम सभी पहचानते होंगे सीमा आर्ट गैलरी कोलकाता और दिल्ली बेस्ड है, तो वो यंग टैलेंट को आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। और वहां पर इस तरह का काम जो एक्सपेरिमेंटल टाइप का काम होता है वो ज्यादा सराहा जाता है। तो पेंटिंग भी होता है ग्रेट। बट माने न्यू टाइप का काम। अभी तो पोस्ट मॉडर्न चल रहा है अभी, तो पेंटिंग स्कल्पचर वो अलग अलग से नहीं है, सब इकट्ठा हो गए हैं, सब ऑडियो विजुअल हो गए हैं, विजुअल आर्ट है और इंस्टॉलेशन आर्ट है, बहुत सारे काम ऐसा चल रहा है अभी पोस्ट मॉडर्न एरा में। तो वो अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ये मुझे ये अवार्ड मिला। और मेरी लाइफ में भी अभी जब ये सीमा अवार्ड टू मैंने साल में 2 साल में एक बार ही होता है, तो 2016 में मैंने अप्लाई किया था, तब मेरा काम सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो मैं शो देखने के लिए गया था कोलकाता में। तो तीन चार गैलरीज लेके माने इतना बढ़िया शो होता है, तो मैंने सोचा कि नहीं काम ध्यान से करना होगा और ज्यादा क्रिएटिव वर्क ज्यादा करना होगा क्योंकि थीम बेस्ड या आपको आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इस साल मैंने उस टाइप का काम दिया जहां से मेरे ये जर्नी शुरू हुआ कि न्यू मीडियम डिजिटल प्रिंट। एक्चुअली ये काम है मेरा आर्ट में परफॉर्मिंग आर्ट एक होता है जिसके थ्रू आर्टिस्ट एक्सप्रेशन वो बॉडी खुद को इन्वॉल्व करके काम करते हैं। उसका जो फोटोग्राफ्स होता है वो गैलरी में डिस्प्ले किया जाता है। तो मुझे वो टाइटल में मुझे अवार्ड मिला था जो कि मेरे लिए भी एक नया नयापन था और काम करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। जब मैं जो काम कर रहा था वो काम एक्चुअली लोगों को कैसा लगा ये अवार्ड के थ्रू मुझे पता चला और बहुत सारे अप्रिसिएशन मिले और बहुत सारे जो दिग्गज आर्टिस्ट है ऑल इंडिया बेसिक वो लोग जूरी में थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माने मेरे लिए था ना है भी अभी भी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका एज एन आर्टिस्ट। काफी क्यूरीज आ रही है कि हम पेंटिंग कैसे सेल करें, उस पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आप लोग प्लीज बने रहिए सेशन के एंड में। आगे आप लोगों जाके की हम उसी क्यूरीज जी भी ली जाएगी सेशन के एंड में। क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे हम, तो प्लीज बने रहिए अभी। तो जॉयदीप जी, वैसे तो आपके सारे आर्ट वर्क ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक का आपका बेस्ट आर्ट वर्क आपके अकॉर्डिंग कोई है, तो वो आप बताइए। एक्चुअली मेरा जो स्टाइल है मेरा स्टाइल थोड़ा सा हटके है। मैं तो फोक बेस्ड काम करता हूँ, आप जैसा आपको पता ही होगा मेरा काम आपके यहाँ पर भी गया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा माने फोक बेस्ड काम करता हूँ बट मेरा जो अप्रोच है वो पोस्ट मॉडर्न ही है एकदम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
जो फोक आर्टिस्ट होते हैं वो इतने सिंप्लीफाइड होते हैं, वो उन लोगों का लाइन, उन लोगों का टेक्निक सीखने का, उन लोगों का जो नेचुरल प्रोसेस है वो इतना मैंने क्या बोलते हैं, बच्चे का जैसा होता है ना, बच्चे लोग जैसे एक लाइन को सपोज ड्रॉ किया, उन लोगों को कोई हेसिटेशन नहीं होता। हम जब बड़े ये लाइन को ड्रॉ करेंगे, इरेज करेंगे, फिर इसको स्केलिंग करेंगे या तो ये करेंगे, तो वो जो फ्लुएडिटी है, जो लाइन कलर फॉर्म का, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वहां से मेरा जो फॉर्म्स है मैं लिया है मैंने, और मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो दूसरा है जो मैंने एग्जीक्यूट किया है। बट मेरा, अगर आप बोलोगे कि मेरा कौन सा आर्टवर्क अभी तक अच्छा रहा, मैंने मुझे अच्छा लगा, तो सीमा में जो हुआ सिलेक्शन और अवार्ड, वो एक्चुअली मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पेंटिंग जो बनाता हूँ और दूसरे काम जो करता हूँ न्यू मीडियाज में, तो वो काम बहुत ज्यादा एग्जीबिट हुआ है, अवार्ड मिला है। बट दिस टाइम ये टाइप का वर्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अप्रिसिएशन ज्यादा मिला इस काम का, तो अभी उस लैंग्वेज में काम चल रहा है मेरा। तो वो वर्क अभी आपके पास है, अगर आप दिखा सकते हैं तो, अगर सॉरी, पास अभी हो तो तो। नहीं है मेरे पास, नहीं है एक्चुअली, सीमा में ही है काम, क्योंकि उन लोगों का रिसेंटली दिल्ली में बहुत बड़ा एक शो गया और कोलकाता में दो शो में ऑलरेडी हो गया और सामने है काम, तो वो लोग अभी उनके पास ही काम को रखा हुआ है, रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न करने के बाद मैं फोटोग्राफ आपके साथ शेयर कर दूंगा उस काम का। वो काम जो मेरा सिलेक्ट हुआ था वो एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर ही था काम, आपको देखने में मिलेगा उसका, मैं आपको भेज दूंगा, आप शेयर कर सकते हो काम। हेलो सिद्धि, नेट बुद्ध स्लो, नेट का शायद प्रॉब्लम। डिस्टरबेंस आ गया था। ओके, तो प्रॉब्लम्स पे आते हैं, जैसे कि सारे आर्टिस्ट जो हैं उनकी लाइफ पूरी स्ट्रगल बेस्ड ही होती है, काफी हाँ स्ट्रगल करते हैं, काफी प्रॉब्लम्स आती है। तो हाँ आपने एज एन आर्टिस्ट स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं? एक्चुअली देखिए, फैमिली से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। पहले तो मैंने क्या बोलूं, मैं ये फील्ड में आऊं कि नहीं इसके लिए प्रॉब्लम था, फिर आया, उसके बाद एक अलग सा स्ट्रगल है खुद का। मैंने पापा इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे पहले, तो मम्मी अप्रिशिएट करती थी, बट उसके बाद मैं ट्यूशन करके पैसा इकट्ठा करके कैनवास लाना, और मैं जहाँ पर हूँ तब त्रिपुरा में इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं था कलर्स वगैरह का सबका, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कलेक्ट करने के लिए। तो कोलकाता जब भी जाते थे तभी कलेक्ट कर पाते थे ठीक तरह से, और खुद से कैनवास प्रिपरेशन करना होता था, तो ये सारे मुश्किल दिक्कत आया। उसके बाद जब काम कर रहा हूँ कोलकाता जाके, फिर उसके बाद खुद को एस्टेब्लिश करने का जो प्रॉब्लम है, एक तो है कि क्या बोलूँ, ये बोलना चाहिए ये नहीं चाहिए पता नहीं, कि मैंने एक होता है ना हमारे फील्ड में, कल्चरल फील्ड में एक होता है क्या, कल्चरल नहीं, जो कोई भी फील्ड में होता है इसका, आपका जो अगर कोई गॉडफादर हो या सपोज ऐसा कोई चैनल हो आपको, तो आपको इजीली सब मिल जाता है, और हमारा ऐसा है कि स्ट्रगल ज्यादा होता है। खुद के स्टेट में ही मुझे इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला काम काम का, मैं काम करता हूँ अच्छा काम करता हूँ ये सभी जानते हैं, सभी अप्रिशिएट करते हैं, बट जितने भी सारे वर्कशॉप्स वगैरह जो होते हैं मैंने मेरे स्टेट में, वहां पर मुझे रेयर ही बुलाया जाता है। तो रिसेंटली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब सीमा अवार्ड मिला मुझे, उसके बाद मैं ये गवर्नमेंट का एक वर्कशॉप मैंने किया जो यहाँ पर बुक फेयर में हुआ था, जो पेड वर्कशॉप था। उसके पहले एक दो ऐसा ही था कि अनपेड वर्कशॉप था, एक दो ऐसा किया मैंने, तो पता नहीं मेरे तरफ से कौन सा मैंने ये रहता है प्रॉब्लम रहता है कि पता नहीं, तो वो नहीं मुझे मिलता है, और दूसरे को लगातार ऐसा ऐसा है कि लगातार मिलता रहता है।
सेम एज इट इज ललित कला एकेडमी जो न्यू दिल्ली का सभी पहचानते हैं। ललित कला का ब्रांच हमारे नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में है और त्रिपुरा में भी ललित कला का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो उससे हमको एक्चुअली ललित कला का जो नेशनल या रीजनल वर्कशॉप होता है, तो एक आर्टिस्ट जब एक वर्कशॉप करते हैं तो उसके 3 साल बाद दूसरा वर्कशॉप उसको मिलता है। ये रीजन मैंने ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन में है। बट अभी 10 साल हो गया मुझे कोई वर्कशॉप नहीं मिला। तो ये कुछ स्ट्रगल फेस है चल रहा है। तो पता नहीं ये क्या होता है, किसके पास जाना होगा, या मेरे स्टेट का सभी जानते हैं कि मैं काम करता हूँ, उसके बाद भी क्यों ऐसा मैंने क्लैश होता है, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लगता है। फिर मैंने यहाँ से मूव करके मैं बाहर के साइड में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दिया, बाहर के कोलकाता दिल्ली मुंबई में शोज किया। वहां मुंबई में मेरा काम बहुत ज्यादा सेल हुआ। जब भी मैं शो करता हूँ मुंबई में मेरा बहुत क्लिक हुआ, मार्केट ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा गैलरीज वगैरह मेरा काम कलेक्ट किया उन लोगों ने। बांग्लादेश में इंटरनेशनली भी हुआ, लंदन में भी हुआ शोज, तो वहां से होता है। बट वो स्ट्रगल, वो मैंने मेरा एक ये मैंने ऑल टाइम मेरा एक चिंता रहता है कि मुझे क्या करना होगा कि मेरे स्टेट में वो मुझे वो ये मिले, क्या बोलते हैं उसको, एप्रिसिएशन मिले जो कि बाहर में मिलता है। तो ये मेरे लिए स्ट्रगल है। मैं मेरे स्टेट के देखिए गवर्नमेंट वगैरह को कुछ को भी किसी को भी मैं दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि एक सिस्टम जो निकल के आता है, जो जो लोग सिलेक्ट करते हैं, जो लोग आपको प्रमोट करते हैं, वो लोग अगर आपको पसंद ना करे, वो लोग अगर चाहे कि नहीं ये तो बाहर में करता है काम वाम, यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं देंगे, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है उसका, तो क्या करूं। तो वो दिक्कतें, वो प्रॉब्लम मुझे फेस करना होता है। बट मैं इसको अभी इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा स्टेट त्रिपुरा को और आगे ले जाना है। इन फ्यूचर में भी सब लोग समझ में आ जाएगा उन लोगों को, तो मुझे भी मौका मिलेगा, ये होप है मेरा। ओके तो ओके okay. एज एन आर्टिस्ट आपको काफी प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ी। उसके अलावा इंडियन सोसाइटी में इसी क्या चीजें आपको बुरी लगती हैं, नेगेटिव लगती हैं, जो मतलब आप चेंज करना हाँ, चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे, या आपको आपकी पहले तो लाइफ में उस पेरेंट्स के वजह से मेंटेलिटी रुकावट चेंज आना। करना चाहूंगा। पहले तो पेरेंट्स के हाँ मेंटेलिटी चेंज करना चाहूंगा कि आपके बच्चे जिस लाइन में भी जाना चाहे उसको जाने दीजिए, क्योंकि जोर जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं होता है। और अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है, काम करता है, ड्राइंग बेस्ड काम करता है, पेंटिंग बनाना उसको पसंद है, तो आप उसको उस लाइन में दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लाइन्स है जो पेंटिंग से या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, बहुत सारे हम लोग जानते नहीं है। बट आर्किटेक्ट, इंजीनियर बोलो, नीफ्ट बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग बोलो, विजुअल आर्ट प्रैक्टिस बोलो, या फुटवेयर डिजाइनिंग बोलो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग बोलो, एनिमेशन बोलो, बहुत सारे फील्ड है जहां पर आप जा सकते हैं। ये श्योरिटी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड होता है। बट आप किस बेसिस पे आप काम करोगे वो आपको अगर पता है, क्योंकि कुछ लोग तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम करते हैं और कुछ लोग एज ए टीचर या ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब करता है। उसके लिए आप सेम एज इट इज प्लेन जो लाइन है, हम बीएससी करके, एमएससी करके, फिर पीएचडी, फिर नेट स्लेट या जो भी कर सकते हैं, इस लाइन में भी सेम चीजें हैं। तो वो मुझे क्लियर करना है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है गार्जियन का कि ठीक है अभी तो क्लास 9-10 के चलो पेंटिंग बनाते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे नेशनल अवार्ड्स मिला है जिस स्टूडेंट को, वो देखते हैं कि टेली कम्युनिकेशन लेकर बेंगलोर में पढ़ रहा है, या कोई केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर बेंगलोर में पढ़ रहा है, या ऐसा कुछ। तो उसका तो एक्चुअली करियर जिसमें है, उसका फोकस जिसमें है, गार्जियंस को व पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, और उसको उस लाइन पे देने से ही उसका करियर बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश होगा, ये मैं सोचता हूँ। ये थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ। और आपके काफी वर्क्स भी देखे हैं जिसमें काफी नेचुरल
सीन्स होते हैं, जैसे कि कुछ न्यूडिटी भी होती है आपके वर्क में, तो इंडियन सोसाइटी में न्यूडिटी को काफी टैबू माना जाता है, और रिलेटिव्स भी अगर देखे, पेरेंट्स भी देखे, तो उनका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो एक बात है कि मेरा जो पेंटिंग है, रिसेंटली मैं जो काम कर रहा हूँ, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, सोशल इश्यू जो है एलजीबीटी कम्युनिटी का, जो अपने खुद का क्राइसिस को लेके घूमते हैं सारा वर्ल्ड में ही है, तो उनको उनके साथ मैंने बहुत सारा बातचीत किया, देखा यहाँ पर बहुत प्राइड वर्क वगैरह होते, तो मैंने सोचा कि उनका जो क्राइसिस है, आइडेंटिटी का क्राइसिस है, जेंडर क्राइसिस है, उसको मैं अपने तरह से कैसे डिपिक्ट करूँ। ये सोशल इशू है, बहुत बड़ा एक सोशल इशू रिसेंटली ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी चल रहा है। वर्ल्ड में इंडिया में ज्यादा है, इसलिए इसका एक्सेप्टेंस लेवल इंडिया में अभी तक इतना ज्यादा नहीं हुआ, फिर भी चल रहा है, इसके लिए लड़ाई तो कर रहे हैं सभी लोग। तो मुझे ये है कि ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, मुझे सभी मनुष्य लगता है, एक आप एक जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस से किसी को आप समाज से निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि वो खुद का काम खुद कर सकता है, कुकिंग कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, जॉब भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, एजुकेशन उसका हो सकता है, तो क्यों आप एक क्राइसिस के थ्रू उसको अलग करोगे। ये एक जोन है मेरा। दूसरा जोन है, क्योंकि मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ, और त्रिपुरा में लास्ट टाइम जो एनआरसी हुआ था ना, एनआरसी के दौरान एक क्राइसिस हम लोगों में भी था, क्योंकि हम बांग्लादेशी है क्या, ऐसे लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था, तो वो भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे लिए कि हम किस कहाँ से इंडिया का है या बांग्लादेश का है। मेरे पूर्व पुरुष माने वो दादा नाना के नाना के नाना कोई बांग्लादेश में रहा होगा, वो बांग्ला भाग के बाद इंडिया में आया, कोई असम में गया, कोई कोलकाता में, कोई त्रिपुरा में, तो ये लेकर बहुत उस टाइम का एक सिचुएशन था जो मुझे फेस करना हुआ, मैं नहीं सिर्फ मेरे जैसे सभी को, तो वो एक था। तो मैं ये लैंग्वेज में काम कर रहा हूँ अभी, और न्यूडिटी जो चीज है वो वल्गर अगर होगा, वल्गर की तरह से आप अगर शो करोगे तो वल्गर लगेगा, किसी का एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा, और अगर न्यूडिटी खराब हुआ, न्यूट खराब हुआ, तो खजुरा का मंदिर को तोड़ देना चाहिए ना। खजुराहो में जो इरोटिक्स कल्चर का टेम्पल है, जो वर्ल्ड फेमस है, जिसके देखने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आए, मैं खजुराहो फेस्टिवल में गया, वहां से मैं देखा बहुत सारे विदेशी जो लड़कियां हैं यहाँ पर, जो हमारे हिंदूज का सिंदूर वगैरह लगा के घूम रही है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा ये कैसा हुआ, तो उन लोगों ने बोला कि ये आए थे वो लोग यहाँ पर, ये इसका एटमोस्फेयर देख के यहाँ पर ही कुछ एक लड़के से शादी करके यहाँ पर ही सेटल हो गए। तो ऐसा बात है कि तो बात वो जो इरोटिक्स कल्चर है जिसमें न्यूडिटी दिखाया गया, जो कामसूत्र है हमारे इंडिया का इतना बड़ा एक भाग है, तो उसको आप इरेज कर दो तो चलेगा ना। तो ये देखिए, ये मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई मेंटेलिटी के किस तरह से ले। रेप्स जो होते हैं अभी हमारे सोसाइटी में, वो मेंटेलिटी के कारण ही होता है, क्योंकि सभी तो रेपिस्ट नहीं होते, जो रेप करना चाहता है वो उसका मेंटेलिटी ऐसा होता है, तो वो चीज हमको बदलना है, उसको विजुअलाइजेशन को बढ़ाना है। तो आशा करता हूँ तो सोसाइटी ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जैसा कि आपने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद आपने इंडियन सोसाइटी में जो कमियां हैं उसके बारे में बताया। अब बहुत सारे आर्टिस्ट की ये भी दिक्कत रहती है कि वो पैशनेट तो रहते हैं अपने काम को लेकर, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि अपने पैशन को वो करियर में कैसे बदले, उनको मतलब गाइडेंस नहीं दे पाता है। इसके लिए मैं बोलूंगा कि अगर जो स्टूडेंट्स है जो स्टडी करना चाहते हैं पेंटिंग के लिए, तो वो लोग आर्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले। इंडिया में बहुत बढ़िया आर्ट कॉलेज है, कोलकाता में है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, तारपरे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी है, कोलकाता में शांति निकेतन है, कला भवन है, दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट है,
जामिया मालिया इस्लामिया है, और हैदराबाद में है कॉलेज ऑफ आर्ट, हैदराबाद में है बेंगलोर में है सीकेपी, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में है अगर त्रिपुरा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, अगरतला कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, गुवाहाटी में है, सिलचर में है, बहुत जगह है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो और आर्ट एजुकेशन ले सकते हो आप प्रॉपरली, क्योंकि आर्ट पेंटिंग करने के साथ साथ कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इंडिया माने वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में जो हम अगर पेंटिंग का डेवलपमेंट या जो जो डेवलपमेंट के स्टेप्स वो हम इज्म के तौर पे बोलते हैं, रेनेसांस से स्टार्ट करके पोस्ट इंप्रेशनिज्म तक ये बहुत बड़ा जर्नी था, जैसे कि वहां पर हुआ आर्ट मूवमेंट्स जो जिनको बोलते हैं, और इंडिया में बंगाली स्कूल मूवमेंट और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट को ग्रुप मूवमेंट, ये दो मूवमेंट इंडिया में फेमस है जो जिनके पायोनियर थे अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाली स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स का, और दूसरा MF होसेन, SS राजा सुजा सब मिलकर जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था। तो ये आर्ट का जो डेवलपमेंट है और सिनारियो कैसा है और किस तरह से आर्ट का अभी चल रहा है वो भी जानना, उसका नॉलेज रखना बहुत ही जरूरत है, इसके लिए आप लाइब्रेरी स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेशन पसंद है तो आप ऑब्वियसली एनिमेशन में लाइन में जा सकते हो, और आपको फैशन पसंद है तो निफ्ट बहुत ज्यादा बढ़िया इंस्टीट्यूट है, तो निफ्ट में आप एंट्रेंस दे सकते हो जिसमें फैशन कम्युनिकेशन, तब पर टेक्सटाइल डिजाइन, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जहाँ पर आप सीख सकते हो कैसे। आज बहुत सारे फैशन डिजाइनर जो है, सब्यसाची मेरा वन ऑफ माय फेवरेट फैशन डिजाइनर जो नीफ का फर्स्ट बेच का स्टूडेंट है, तो ये करियर आप बना सकते हो। आप सत्यजीत रॉय फिल्म इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, वहां पर आप फिल्म मेकिंग के ऊपर काम कर सकते हो, या जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, ये बहुत सारे लाइन से आपको सोचना होगा कि आपका करियर आप किस लाइन पे ले जाना चाहते हो। और उसके बाद है जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जो प्रोफेशनली काम करते हैं, वो उसको गैलरी के साथ टाई अप करना होता है, बहुत सारे गैलरीज है इंडिया में और बाहर भी जो आपको काम को प्रमोट करता है और आपका काम सेल करता है, तो उसका गैलरी प्राइस अलग सा रहता है और आर्टिस्ट प्राइस अलग सा रहता है, तो वो आपको हो सकता है, बट इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना होगा क्योंकि अभी आर्ट का जो मार्केट है इतना ज्यादा राइज नहीं है अभी ड्यू टू कोविड पीरियड और सभी, और बायर्स जो है उनके पास इतना सारा ऑलरेडी कलेक्शन है तो वो छूटेगा फिर दूसरे आर्टिस्ट का वो कलेक्ट करेंगे, फिर भी मैंने हो रहा है जो सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट है मेरे फ्रेंड्स है बहुत सारे जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर ही लाइफ लीड कर रहे हैं। और उसके अलावा आर्ट मार्केट का जो अभी तक का सीनियर है, कोरिया चाइना और अमेरिका, उस जगह पे आर्ट मार्केट का मैंने बहुत राइज है, वो वहां पर आर्ट का सेलिंग बा एग्जीबिशंस, वो जो मेला होता है आर्ट का फेस्ट होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, और सेलिंग बहुत 80% तक सेलिंग उस कंट्री से ही होता है ज्यादा आर्ट का। ओके, तो जैसा आपने बताया कि आर्ट कॉलेजेस से भी के थ्रू भी आप एक करियर परस्यू कर सकते हैं और गैलरी से टाई अप करके भी कर सकते हैं, राइट? तो क्या डिग्री जरूरी है एक आर्ट करियर बनाने के लिए? जैसे जो आर्ट से रिलेटेड जो डिग्री होती है, क्या वो जरूरी है? मैं एक बात बीच में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि वो स्कल्चर के बारे में मैंने नहीं बोला, जो स्कल्चर जो बनाते हैं जो स्कल्चर में काम करते हैं वो भी स्कल्चर को लेके बहुत ज्यादा काम होता है रिसेंटली स्कल्चर को लेके, तो वहां पर भी खुद को इन्वॉल्व कर सकता है जो लोग स्कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और आपका क्वेश्चन सॉरी एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये था कि जैसे
जो लोग आर्ट में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए डिग्री जरूरी रहती है, अच्छा मतलब देखिए, फाइन आर्ट की ये डिग्री? हाँ मुझे तो है पेशेंट की बहुत जरूरत है। अगर मैं एमए फोसन की बात करूं तो वो पहले तो वो होर्डिंग सिनेमा का जो होर्डिंग था, पोस्टर था, वो पेंटिंग वो बनाते थे पहले। उसके बाद जेजे कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, बट कॉलेज का जो जो एकदम क्या बोलते हैं इसको, एकदम होता है ना एक रूटीन वाइज क्लास करना, रूटीन वाइज सब करना, वो उनको पसंद नहीं आया, वो कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने खुद के दम पे काम किया और ही इज द वन जिसका पेंटिंग का कैनवास स्ट्रेच करने से वो बिक मैंने सेल हो जाता था। तो ये स्ट्रेच किया, ये सोल्ड आउट है। तो हाईएस्ट पेड पेंटर था वो एमएफओ से। और ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको एजुकेशन आप प्राइवेट गुरु के पास जाकर भी आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो, बट आपको सोचना है कि आपको अगर आर्ट फील्ड में, अगर आर्ट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ऐसा कुछ में जाना है, तो आपको डिग्री की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि आफ्टर ऑल पेपर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पेपर्स शो आपको करना होगा, और एनिमेशन आप अगर आप सीखोगे करना चाहोगे तो आपको सीखना ही होगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर एनिमेशन के लिए, तो सीखना होगा। और ये इक्वल है कि आपको नहीं सीख मैंने प्राइवेट एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ये नहीं बोलूंगा। एजुकेशन का जरूरत है क्योंकि आपको नॉलेज आपको अगर बढ़ाना हो खुद का, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब करंट सिनेरियो आपको जानना है तो एजुकेशन बहुत जरूरत है, और बाकी सब पेशेंट के ऊपर हो सकता है। कोई डॉक्टरी प्रोफेशन चूज किया बट उसको पेंटिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो पार्ट टाइम पेंटिंग भी करता है। एवं बहुत सारे हैं वो हमारे साथ आर्टिस्ट लोग जो डॉक्टर है प्रोफेशनली बट पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये एक अलग सा बात है कि आपको करियर मेकिंग किस तरह से करना है वो आपको सोचना होगा, उसके थ्रू ही आप अपना लाइन चूज कीजिए, ये मैं बोलना चाहूंगा सभी को। और एक और क्वेश्चन था मेरा, जैसा आप बता रहे हैं कि जो क्या था, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है, तो जैसे कोई फाइन आर्ट का कोर्स करता है, जैसे MFA BFA है, तो कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहता है, एक स्पेसिफिक मीडियम में कोई वर्क करता है, जैसा मैं हूँ, मैं यूजली चारकोल और ग्रेफाइट में वर्क करता हूँ, तो मैंने सुना है कि MFA और BFA में आपको सारे मीडियम्स में वर्क करना सारे होता सारे है। हाँ। एक्चुअली ऐसा होता है कि प्रोसेस अभी तो है, मैं जब किया था मैंने कोर्स तो 5 इयर्स डिग्री कोर्स था। अभी तो है 4 इयर्स डिग्री कोर्स सेमिस्टर सिस्टम, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में आप माने फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको सभी डिपार्टमेंट का काम करना होगा, स्कल्पचर करना होगा, पेंटिंग करना होगा, अप्लाइड करना होगा, ग्राफिक्स करना होगा। उसके बाद आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपका खुद का काम चूज करना होगा कि आप कौन से मीडियम आपको पसंद है और कौन से स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो। कि वो कोई स्कल्पचर में गया, कोई पेंटिंग में गया, कोई ग्राफिक्स में गया, कोई हिस्ट्री ऑफ आर्ट में गया, तो ये चूज करेंगे स्टूडेंट्स लोग जो जाएंगे। इसके बाद सपोज कोई आप जैसे बोल रहे थे कि पेंटिंग में कोई जाए, ये बार पेंटिंग में जाने के बाद एकेडमिक सिलेबस जो होता है उसके रूल्स के वाइज हम लोग क्लास करवाते हैं, तो क्लास होता है। इसके बाद आप जब खुद को मास्टर डिग्री के लिए जाओगे तो आपको खुला सब खुला मिलेगा, खुद का स्टाइल, खुद का सिग्नेचर स्टाइल वहां से आपको डेवलप करना होगा। उसके बाद आप चूज कर सकते हो, ऐसा है कि आपको पेंसिल में काम करने अच्छा होता है, अच्छा लगता है, तो पेंसिल में ही आप काम कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको एक्रेलिक में करना होगा या दूसरे कोई मीडियम में करना होगा। मुझे मिक्स मीडियम अच्छा लगता है, मैं मिक्स मीडियम में करता हूँ। किसी को वाटर कलर पसंद है तो वाटर कलर में। तो जो भी आर्टिस्ट अभी आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में, जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है, वो खुद का मीडियम, खुद के स्टाइल और ये के लिए यूनिक है,
वो लोग उस सिग्नेचर स्टाइल बोलते हैं हम उस जिस किसी का आर्टिस्ट का सिग्नेचर स्टाइल, आप जामिनी रॉय का लो सिग्नेचर स्टाइल है, सुबोध गुप्ता का लो जो इंडस्ट्रियल डिफरेंट टाइप के बटनों को एक साथ जोड़ के बहुत बड़ा काम करते हैं, तो जो कोई भी आप गुलाम मोहम्मद शेख बोलो, जो भी आर्टिस्ट है, अंजलिला मेरन बोलो, सभी का एक खुद का जोन होता है, हर एक आर्टिस्ट का खुद का जोन होता है, उसके जोन के ऊपर ही वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब पता है, सब मीडियम के बारे में पता है, बट मेरा जो सिलेक्शन है, जो मीडियम में मैं एकदम सतस्फूर्त हूँ और मैं इजिली काम कर सकता हूँ, वो मीडियम मैं चूज करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पर जो ड्रामों में बहुत सारे काम आते हैं, यहाँ पर रियलिस्टिक सुपर रियलिस्टिक काम भी आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट काम भी आते हैं, उसमें मंडला पेंटिंग भी आता है, उसमें हम जैसे फोक आर्टिस्ट भी काम डालते हैं, फोक बेस्ड काम करते हैं, तो ये अलग अलग जोन का है और ये मिलकर ही हमारा जो देखने का व्यूज है तो अलग अच्छा रहता है कि, और कलरफुल होता है, एक एक का एक एक स्टाइल, हर एक का एक एक स्टाइल होता है, और ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर। आर्टिस्ट का ये बोलते हैं हम लोग कि एक आर्टिस्ट का कलर चूज करने से समझ में आता है उसका मेंटेलिटी कैसा होगा, उसका लाइन देखने से भी समझ में आता है उसका मेंटेलिटी कैसा होगा, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो ये कोई बात नहीं है, सिग्नेचर स्टाइल आप बात मैंने धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। तो कुछ जैसे आपने बताया कॉलेजेस, अभी काफी सारे टॉप कॉलेजेस के नाम बताए हैं, तो ये जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, इनमें हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं? क्या प्रोसेस एक्चुअली एडमिशन लेने से, कोई एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम वगैरह? एंट्रेंस होता है, सभी का एंट्रेंस होता है, जो ड्यू टाइम पे जो सेशन होता है उसमें फॉर्म निकलता है, तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद आप एग्जाम में बैठोगे, तो वहां से सिलेक्ट होता है। दो तरह का रिटन एग्जाम भी होता है, कहीं पर प्रैक्टिकल डिस्प्ले भी होता है, तो उसके ऊपर बेस करके मैंने सिलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये एक्चुअली नेट में उन लोगों का जो कॉलेज आपको सही लगे उसका वेबसाइट आप रेगुलर फॉलो करोगे तो उसमें वो लोग ड्यू टाइम पे वो डालते हैं उनका कि फॉर्म फिलअप चल रहा है ऐसा करके, तो वहां जाके फिर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा एग्जाम के लिए। कोई एक दो एग्जाम के आप नाम शेयर कर सकते हैं? हाँ, आप एक्चुअली हम लोगों का जब बैचलर डिग्री होता है हमारे कॉलेज में, मास्टर डिग्री नहीं है, मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी में होता है, तो हमारे कॉलेज में जिस तरह से जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है 12, और ये जो लोग बीबीए लेवल में जाना चाहते हैं वो लोग क्लास 12 का एग्जाम के बाद वो फॉलो करें, क्योंकि 12 एग्जाम के बाद ही फॉर्म वगैरह सब निकलता है, या 12 एग्जाम जब चलता है तभी निकलता है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर जेआरएफ टीआरएफ जो निकलता है उसके टाइम पे ही डिफरेंट आर्ट कॉलेज का निकलता है, और एक है जो लोग मास्टर डिग्री करना चाहते हैं वो लोग ये हमारा जो अभी सेशन सेमिस्टर 7 सेमिस्टर हमारे कॉलेज में चल रहा है, उसके बाद 8 सेमिस्टर होगा, उसके बाद वो लोग जाएंगे मास्टर डिग्री के लिए, तो ये सेम ही है, मास्टर डिग्री के लिए आपको ड्यू टाइम पे फॉर्म वगैरह मिलेगा, कला भवन शांति निकेतन में जो प्रोसेस है उसमें आपको पहले अपना काम और फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा, वो लोग जूरी बिठा के सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे वो लोग जाके एग्जाम देंगे। बड़ौदा में सेम ही है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता, फिर और एक यूनिवर्सिटी है हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, और हैदराबाद में भी है, सभी में सेम ही है, आपको सब जो इंटरेस्टेड हो वो उन लोगों का वेबसाइट फॉलो करें, क्योंकि एक एक यूनिवर्सिटी का एक एक टाइम पे फॉर्म निकलता है, ऐसा नहीं है कि सभी एक ही टाइम पे निकलता है, कोई आगे निकलता है जैसे कि शांति निकेतन बड़ौदा वगैरह सबसे पहले निकलता है फॉर्म, रविंद्र भारती का आखिर में निकलता है, तो ये आपको सर्चिंग में रहना होगा,
ये हम भी नहीं बोल सकते कि कब उन लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप उस पे जाओ। तो ये ऐड देंगे और हर एक कॉलेज का अगर आप वेबसाइट थोड़ा सा फॉलो करके रखोगे तो सही रहेगा। तो एक और प्रॉब्लम्स जो आर्टिस्ट फेस करते हैं, जैसे कि काफी आर्टिस्ट के का जो माइंडसेट रहता है वो यही रहता है कि हमें हमारे आर्ट वर्क सेल करने, वो सिर्फ आर्ट वर्क सेलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इनके काफी क्वेश्चंस आ रहा है सेलिंग के लिए, तो अच्छा, उसके लिए आप कुछ बताएंगे क्या प्रोसेस है और कौन से आर्ट वर्क ज्यादा सेल होते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है। एक तो सेलिंग दो तरह का होता है, एक तो है गैलरी आपको प्रमोट करेंगे, आपका काम लेंगे, ये एक तरह का है। और एक है जो विजिटर्स आते हैं आपके शोज में, एग्जीबिशंस में, वो कलेक्ट करते हैं। अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया है जिसमें आर्टिस्टों का ऑनलाइन शोज रहता है, वहां से भी कलेक्ट किया जाता है, बट वो जेन्युइन हो वो ज्यादा ध्यान रखना होता है। और ऐसा है कि गैलरी, अगर आपको शोज आपको करना होगा और गैलरी को आपका प्रोफेशनली काम करते हो आप लोग, जो आपका पोर्टफोलियो बनाओ, डिजिटल पोर्टफोलियो बनाओ, बना के आप डिफरेंट गैलरीज को अपना काम भेजो, इटियोड बायोडाटा, शॉर्ट बायोडाटा आप भेजो। अगर उनको अच्छा लगे आपका काम, उसमें पॉसिबिलिटीज लगे, तो वो आपको प्रमोट करेंगे, आपके शोज के लिए आपको बुलाएंगे। तो हर एक गैलरी का उनका खुद का बायर्स रहते हैं, तो वो कलेक्ट करते हैं काम आर्टिस्ट का। ये है एक तरह का, जो ज्यादातर प्रोफेशनल आर्टिस्ट उस लेवल पे ही जाना चाहते हैं। और एक बात है कि मैंने एक एग्जीबिशन किया, उसमें कोई आया, मेरा काम पसंद किया, मैंने बोला ऐसा प्राइस ऐसा है, तो बार्गेनिंग के थ्रू मैं मेरा काम सेल किया। ये दो हो सकता है। बट वो जो दर्शक होते हैं, सभी जगह में वो आर्ट खरीदने का जो मेंटेलिटी है वो अभी सब जगह में डेवलप्ड नहीं है, हमारे स्टेट में ही है। अगर आप सोचोगे कोई, आप एक जगह आपको जाना है, शादी में ही हो आप, 3-4 हज़ार का एक गिफ्ट दोगे, तो क्यों ना मैं एक पेंटिंग दूं आर्टिस्ट को, उसका हेल्प हो जाएगा, प्लीज उसका काम भी जाएगा। तो हम लोग सर ऐसा मेंटेलिटी से नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं वो दूसरा गिफ्ट आर्ट देकर क्या होगा। तो ये मेंटेलिटी सेटअप चेंज करना होता है। दिल्ली, मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, कोलकाता, उसमें ये डेवलप्ड है। अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो रहा है, बहुत सारे होटल्स एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें वो लोग काम लेते हैं गैलरी के थ्रू या टेंडर के थ्रू वो लोग काम लेते हैं। मेरे जो दोस्त लोग बाहर दिल्ली मुंबई में हैं, वो लोग से मैंने जो जो सुना, क्योंकि मैं तो ज्यादातर त्रिपुरा में रहता हूँ, जहाँ मेरा काम गैलरी के थ्रू एक दो है, अदरवाइज मैं शोज से ही मेरा काम सेल होता है, जो होता है बार्गेनिंग वगैरह सब मिला के। बट वो लोग प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं, वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है कि कहाँ पर जाने से कैसे होगा, क्योंकि कहाँ आपको क्लिक करेगा आपका काम। कोई ऐसा बायस है जिसको आपको नेचर टाइप का काम पसंद है, नेचर स्टडी टाइप का, उसको एब्स्ट्रैक्ट पसंद नहीं है। अगर आप बांग्लादेश इंटरनेशनली जाओ, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट काम ज्यादा पसंद करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट काम ही करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वहाँ मुस्लिम कंट्री है, वहां पर इतना ज्यादा फॉर्मेटिव उस टाइप का काम इतना ज्यादा नहीं चलता। जो कोई भी आर्टिस्ट वहां पर तो वो टाइप का काम करते हैं, वो इंडिया से ही डिफरेंट कॉलेज से ही स्टडी करके वहां पर एस्टेब्लिश्ड है। तो ये देखा है मैंने, और सेम एज इट इज कल्चर में भी सेम हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका जो बायर से, उसका मेंटेलिटी के ऊपर और आपका काम का एग्जीक्यूशन के ऊपर, कैसा आप काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आप जैसे कि इंटरनेशनली भी आपने एग्जीबिशंस में अपने वर्क्स लगाए हैं, तो आप इंटरनेशनल मार्केट के बारे में कुछ बताएंगे, इंडिया से कंपेयर करेंगे? इंडिया से कंपेयर करने के लिए मैंने बोला था पहले ही, कोरिया, चाइना और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत डेवलप्ड है इस बारे में।
क्योंकि इतना ज्यादा आर्ट मार्केट का जो उठक नमक माने उठना बैठना होता है, हम लोग बोलते हैं कि अभी चढ़ा हुआ है आर्ट मार्केट, बहुत सारे आर्ट कलेक्ट हो रहा है ऐसा, तो इस तरह से इंडिया का होता है, इंडियन आर्टिस्टों का काम भी बाहर सेल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट कंपैरिजन में कम है थोड़ा सा, इंडिया का थोड़ा सा कम है, वो लोग आगे है हमारे से, 70 to 80% काम उन लोगों का माने सेलिंग प्रोसेस वहाँ ज्यादा होता है, और मार्केट भी ज्यादा अच्छा है वहाँ पर आर्ट का, क्योंकि देखिए कोई एक कंट्री होगा उसका इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा किस तरह से वो लोग इन्वेस्ट करे, किसमें काम लगाए, तो हमारे यहाँ पर एक तो है कि ईयर एंडिंग जो होता है मार्च मार्च के महीने में, ईयर एंडिंग के पहले अगर आप दिल्ली मुंबई या यहाँ पर शो लगाओ तो कई सारे आर्टिस्टों का काम बिकता है, क्योंकि ईयर एंडिंग में जो टैक्स फ्री करने के लिए पेंटिंग खरीदा जाता है, तो ये ऐसा मौका अगर किसी को मिलेगा तो शोज रहेगा तो ये ज्यादा इजी रहेगा कि ये आपका काम सेल होने का प्रोसेस है, और इसके अलावा आप सभी जगह पे आप डिस्प्ले नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको वो स्टडी थोड़ा सा करना होगा, जिस पेरिफेरी में आप काम डिस्प्ले करते हो उस पेरिफेरी में किस टाइप का काम एक्सेप्टेबल है और किस टाइप का आर्टिस्ट रहते हैं वहां पर, तो उस पे डिपेंड करके आपको अगर शो करोगे तो सक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो बहुत जल्द हम डोमो के थ्रू कोई एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे। एकदम आप कर सकते हो, जहांगीर आर्ट गैलरी में अभी से आप अगर बुक करते हो ये मिलता है 3 4 साल बाद, तो ये जहांगीर आर्ट गैलरी बहुत ज्यादा मैंने बहुत प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरी है, आप कर सकते हो इसमें, ड्रामोन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे सिलेक्टिव काम लेके कर सकते हो, बट अगर आपको मिलता है गैलरी टाइम तो मार्च के बाद मत लेना, सितंबर 2 फरवरी तक ही लेने से अच्छा है, क्योंकि उस टाइम ओके पे हाँ लोग ज्यादा रहते हैं, बाहर से भी आउट कंट्री से भी लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पर, तो काम सेल होने का ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहता है। पर्सनली हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे, हम श्योर उसका श्योर हम बाद में डिस्कशन करेंगे जरूर। हाँ और एज ए बिगनर आप आपने काफी मिस्टेक्स की होगी आर्ट जी करियर में। एज ए हाँ बिगनर स्टार्टिंग में आपने काफी मिस्टेक्स की होंगी, और बहुत सारे बिगिनर्स जो हाँ मिस्टेक करते हैं, काफी अभी बिगिनर्स भी जो करता हूँ मिस्टेक करते हैं, हाँ मिस्टेक, तो अभी भी करता हूँ, वो अभी थोड़ी भी बहुत सीखता मिस्टेक हूँ, तो हर हाँ रोज सीखता हूँ मैं, वो हाँ क्योंकि मिस्टेक करके तो एक सीखते हैं फिर अपन। हाँ ये तो मिस्टेक होगा, मिस्टेक नहीं होगा तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, अगर मैं बोलता हूँ मेरा एक ही आर्ट वर्क किया वो बहुत बड़ी हो गया ये बात नहीं है, 100 करने के बाद एक निकलता है पॉसिबल मास्टरपीस, हाँ तो अभी हर रोज सीखता हूँ, अगर मैं जब मेरे छोटे छोटे बच्चे के बच्चों लोगों के साथ बैठता हूँ उनसे बहुत सारे सीखने को मिलता है, कलर फॉर्म्स बहुत सारे चीज, कॉलेज में जाता हूँ स्टूडेंट्स लोगों से सीखने को मिलता है, मेरे फ्रेंड सर्कल से सीखने को मिलता है, और मैं ये नहीं समझता कि मैं एज में बड़ा हूँ या औहदा में बड़ा हूँ तो छोटे किसी से मैं सीख नहीं सकता, ऐसा कोई कुछ बात नहीं, टैलेंट हर किसी में हो सकता है, आपसे छोटे के साथ एज में जो छोटा है उसके पास भी आपसे ज्यादा टैलेंट हो सकता है, आपसे बड़ा जो है वो एक्चुअली डिस्कशन होना चाहिए आर्ट को लेके कल्चर को लेके, जो लोग आर्ट प्रैक्टिस करते हैं वो लोग सब इकट्ठा अगर ऐसा आप जो सेशन आपने जो आज किया इस तरह का सेशन होगा तो बहुत सारे एक एक लोग का पॉइंट ऑफ व्यूज सबको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो क्या होगा तो कि हमारे जो वे ऑफ जर्नी वो दूसरे किसी को इंस्पायर करेंगे, एक को भी करेंगे तो मैं सक्सेस हूँ और ड्रोमर भी सक्सेस है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि हम जब भी कॉलेज में भी स्टूडेंट्स लोगों को बोलते हैं कि ग्रुप डिस्कशन करो, बोलो बात बोलो, एक भूल गलत बोलेगा दूसरा आप ठीक करके बोलो उसको, तो ये जानना होगा ठीक तरह से, अगर ग्रुप डिस्कशन होगा अगर आप
आर्ट के बारे में बोलोगे ज्यादा करोगे तो गलत होगा। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो बिगिनर है ज्यादा करके आप लोग स्केच करो, देखकर स्केच करना, एकदम सामने चीज है उसको देखकर स्केच करना, या मूविंग जा रहा है उसको देखकर स्केच करना बहुत जरूरी है। ये स्केच और स्टडी में थोड़ा सा फर्क है। स्टडी जो आप बहुत सारे टाइम लेके लाइट एंड शेड यूज करके करते हो वो स्टडी है, और स्केच है एकदम सिंपल लाइन के थ्रू आप कोई कुछ चीज को अपने पेपर पे एग्जीक्यूट करना। तो स्केच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी बिगिनर हो उसको स्केच करना ज्यादा, जब एक लोग ज्यादा स्केच करेंगे तो उसका हाथ का स्किल बहुत ज्यादा बढ़ेगा धीरे धीरे। और ऐसा नहीं कि आप मोबाइल से निकाल कर देख के स्टडी करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद का ब्रेन को, थिंकिंग प्रोसेस को आपको माने चलाना होगा, क्योंकि आप जहाँ बाहर जाते हो, हम लोग आर्टिस्ट हैं, बाहर जब जाते हैं कोई चीज हमको ऐसा नजर में आता है जो दूसरे लोगों को नहीं आता है, तो वो चीज आपको लेके आप काम कर सकते हो आपके काम में। तो ये आपको हर टाइम ब्रेन एक्सरसाइज करना होगा, जो भी आर्ट आर्ट के थ्रू खुद का करियर बनाना चाहते हो तो सबको खुद का ब्रेन का एक्सरसाइज करना होगा, और ज्यादा करके स्केच करना होगा। स्केच और स्टडी ये दोनों खूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को स्किल को डेवलप करने के लिए। इसके बाद आप खुद का सिग्नेचर स्टाइल आप कर सकते हो। एक्चुअली करना बहुत जरूरी स्केचिंग है। जो है वो बेसिक चीज ही होती है, वो हर चीज में यूज होती है। आप कोई भी मीडियम यूज करें, बेसिक चीज स्केचिंग ही है। आपको स्केच हाँ, करना पड़ेगा, रफली स्केच तो करना ही होता है। आउटलाइन। हम लोग स्टूडेंट को भी बोलते हैं हर रोज आप 40 स्केच बना के लाओ, मार्केट में जाओ, मार्केट में देखो, हॉस्पिटल में जाओ, वहां बहुत सारे फिगर्स वगैरह, बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह रहेंगे, आप देखो, देखकर लाइन पे ड्राइंग करके आनो। डिटेल स्केच कर सकते हो या हेजी स्केच कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करोगे। तो वो रेगुलर करना चाहिए। और कॉम्पोजिशनल स्केच करने से बहुत ज्यादा हेल्प होता है, क्योंकि आप अगर पेंटिंग बनाते हो तो वो कॉम्पोजिशनल स्केच से आप ले सकते हो, आपका रेफरेंस ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात होगा जो अगर कोई स्केच अगर ज्यादा करे तो। और वाटर कलर कर सकते हो, अभी ठंडी का दिन है तो मैंने विंटर सीजन में वाटर कलर बहुत अच्छा होता है, स्पॉट्स भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप लोग ग्रुप बना के जा सकते हो, सभी जाकर वाटर कलर प्रैक्टिस कर सकते हो। वाटर कलर सबसे टफ कलर है वाटर कलर, क्योंकि जिसमें लाइट टोन से डार्क टोन में जाना होता है, और हाईलाइट हम पेपर पे छोड़ते हैं, तो वॉश का जो टेक्निक है एक के बाद तो ये बहुत ये है माने क्या वो बहुत हार्ड है ये। वो अगर आपको आ जाए वाटर कलर, आप ऑयल भी इजीली कर सकते हो, एक्रेलिक भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि वाटर कलर में ही लाइट एंड शेड का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा हम लोग दिखा सकते हैं वाटर कलर में। तो आप देख सकते हो, वाटर कलर स्टडी करो और स्केच करो, बिगिनर्स जो लोग आप करो। और साथ में मैं बोलूंगा सभी को कि डिफरेंट जगह में खुद का काम को पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं है कि अभी कितना पॉसिबिलिटीज है ऑनलाइन होने के थ्रू, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस डोमो जैसे, और जो हम जाके कर सकते थे इतने दिनों तक, मुंबई जाना होता था जाके गैलरी में कर सकते थे, वो लोग भी ऑनलाइन प्रमोशन दे रहे हैं। तो आप वो देखो और उसमें पार्टिसिपेट करो। इसलिए पार्टिसिपेट करो कि आपका काम कितना अप्रिशिएट होता है, ये आप देखो आपका प्रोसेस ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर देखते हो आपका काम अच्छा है, आपका प्रोसेस ठीक तरह से चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू करो, नहीं तो दूसरे तरह से सोचो। मैं भी वही करता हूँ, मैं सभी जगह में पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आदि तुम्हारा लेवल इतना है, तुम हर किसी जगह में मत दो। तो मेरा सोच यही है कि मुझे अगर सभी पहचाने पहले तो पहचाने मुझे, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं ऐसा काम करता हूँ, ये सबके घर में जाए, उसके बाद मेरा जो होगा मैं बड़ा आर्टिस्ट होऊंगा ये बाद में होगा। क्योंकि सभी जगह पार्टिसिपेट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करने से एनकरेजमेंट मिलता है, और आपको दूसरे जो लोग हैं जो अवार्डीज होता है उनका काम किस किस लिए अवार्ड मिलता है उनको, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये इसको आपको अगर अवार्ड नहीं मिलता, ये बात नहीं है कि आप निराश हो जाओ, आप देखो कि क्यों दूसरे को
अवार्ड मिलता है, तो आप उससे पॉजिटिविटी लो और खुद का काम को और डेवलप करो, आई एम श्योर दैट आपको भी मिलेगा। तो मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ, और आप लोगों को तो क्या बोलूँ, मैं बहुत दिनों से ही आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एक्चुअली मेरा। जिन लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली जॉयदीप पहले हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया करते थे, फिर इनके वर्क काफी अच्छे थे, सिलेक्ट हुए, हमारी नजरों में आए, तो हमने फिर इन्हें जज एज अ जज ड्रो मोर में ज्वाइन कराया इन्हें। और जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें मोस्टली आर्टवर्क यही जज करते हैं। ये और मेरे लिए देखो, आप जो जो लोग आप हाँ देख रहे हो ये लाइव सेशन, आपको भी बोलना चाहता हूँ, मैं पहले तो पार्टिसिपेंट था, 3 टाइम्स मुझे यहाँ से अवार्ड मिला, उसके बाद मेरा तरक्की हुआ, मैं अभी उनके साथ एज ए जूरी मेंबर के तौर पे प्रमोशन हो जुड़ा गया। हुआ हूँ। आप भी हो सकते हो, आप भी इस अच्छे काम करो, आप भी मेरे जगह पे आप भी हो सकते हो। तो सभी को मैं बोलूंगा ज्यादा करके काम करो और ड्रामों में पार्टिसिपेट करो, और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत सारे ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे शोज मैंने किया है बहुत सारे, तो उन लोगों के साथ स्पेशली हैप्पी जी के साथ दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने बात किया, और कार्तिक जी के साथ तो हर रोज बात होता है मेरा जब भी ये होता है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, इन्वाइट करना चाहता हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट आओ त्रिपुरा में, अभी मैं हूँ यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर घूम के जाओ, नॉर्थ ईस्ट बहुत बढ़िया स्टेट्स है, शिलोंग तो आपको पता है, मेघालय तो बहुत सुंदर जगह है, तो आप लोग आ सकते हो और त्रिपुरा आर्ट कॉलेज भी विजिट कर सकते हो। जी आप भी बिल्कुल, भोपाल आइए, हम भी आपको भोपाल इनवाइट करते हाँ हाँ हैं। जरूर जरूर, भोपाल में तो मुझे आना था बहुत पहले ही, एक्चुअली भारत भवन में मेरा एक शो करने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजन वो ये हो गया, और भोपाल में इतने ज्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, वर्कशॉप में मिला वंदना करके एक लड़की है भोपाल में, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है, मेरा फेवरेट है वो, तो उदय उदय करके है, तो भोपाल मुझे आना ही है, और मेरे जो दीदी मेरे अभी कोलकाता में है डॉक्टर, उसका इंटर्नशिप उन्होंने भोपाल से ही किया है, तो भोपाल में मुझे आना है और शो भी करना है, तो आपका हेल्प चाहिए होगा तो मैं आपको बोलूंगा जरूर। हम आपको यहीं मिलेंगे भोपाल में। और कुछ शुक्रिया, क्वेश्चंस, अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ क्वेश्चंस है तो वो टाइप कर सकते हैं कमेंट में। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना या कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जॉयदीप जी आपसे बात करके। ठीक मुझे भी बहुत अच्छा लगा। है। एक लारा आर्ट अनलिमिटेड नाम से क्वेश्चन आया है, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट वर्क इज एक्सेप्टेड, इज देयर अ सेपरेट कैटेगरी फॉर रियलिज्म और हाइपर रियलिज्म? मैंने पहले भी बोला था, ऐसा नहीं है कि हाइपर रियलिज्म या रियलिज्म आपको एक्सेप्टेबल है या दूसरे काइंड ऑफ वर्क एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ये डिपेंड करेगा कि आर्टिस्ट कैसा काम करता है उसके ऊपर, कोई आर्टिस्ट है कि हाइपर रियलिज्म में भी काम करे, कोई रियलिस्टिक काम करे, रियलिज्म में भी काम कर सकते हो, कोई एब्स्ट्रक्शन में भी काम कर सकते हो, कोई क्यूबिक फॉर्म में भी काम कर सकते हो, कोई इम्पास्टो टेक्निक से भी काम कर सकते हो, कोई फोक बेस्ड काम कर सकते हो, तो ये डिपेंड करेगा एक आर्टिस्ट के ऊपर कि उसका पसंद या नापसंद कौन है, किस में है, सॉरी किस में है, तो वो आपको पिक करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सी स्ट्रीम में काम करें, आपका काम अगर अच्छा होगा जिसकी भी किसी स्ट्रीम में भी हो वो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, और वो आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे और बायर्स भी मिलेंगे और गैलरी भी आपको प्रमोट करेंगे। एक क्वेश्चन पेंसिल ब्लिस का है, इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री डिग्री, एंड डिप्लोमा विच इज
बेटर प्लीज एक्सप्लेन। सॉरी, डिप्लोमा? डिग्री और डिप्लोमा में क्या बेटर है? ना, ऑब्वियसली डिग्री, डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। डिग्री आपको करना चाहिए। डिप्लोमा हमारे कॉलेज में ही डिप्लोमा कोर्स है, जो माध्यमिक पास के पास आउट होने के बाद किया जा सकता है। बट ये कोर्स फिलहाल स्टॉप होने वाला है सामने, क्योंकि उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर आप काम करते हो, डिग्री सर्टिफिकेट रहेगा तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारे काम करने के लिए ये सर्टिफिकेट हेल्प करेगा, डिप्लोमा वाला नहीं करेगा। क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई ज्यादा डिग्री वाला होगा तो उसको ज्यादा सराहा जाएगा। तो इसलिए आप डिप्लोमा मत कीजिए, डिग्री में जाइए। जो भी आपको करना है डिग्री में जाइए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, डिग्री करना चाहिए सभी को। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज पूछ सकते हैं आप कमेंट में। व्हाट इज द स्कोप फॉर सेल्फ थॉट आर्टिस्ट? सेल्फ थॉट आर्टिस्ट का क्या स्कोप है? हाँ, नहीं, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप अच्छा काम करते हो, आप शोज करो, आपका काम भेजो डिफरेंट प्लेसेस पे, जहां पर एग्जीबिशंस के लिए भेजो, और खुद के बायोडाटा को स्ट्रांग बनाओ। आप सेल्फ टॉट हो सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया में हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो सेल्फ टॉट ही हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप सेल्फ टॉट हो तो कुछ नहीं कर सकोगे, और डिग्री हमारे पास है तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। काम डिपेंड करता है आपका आर्ट वर्क कैसा आप बनाते हो, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। तो मैं बोलूंगा सभी को कि आप लोग अपना खुद का बायोडाटा स्ट्रांग करें। बायोडाटा स्ट्रांग करने के लिए आर्टिस्टिक जो बायोडाटा है उसमें आप ज्यादातर एग्जीबिशंस बोलो, वर्कशॉप्स बोलो, और अवार्ड्स बोलो, उसको आप जितना जुड़ सकोगे खुद के साथ, आपका बायोडाटा इतना स्ट्रांग होगा। तो जिस किसी जगह पे भी आप जाओगे तो आपका बायोडाटा देखेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके जॉब या जहां पर भी हो ये पड़ता है। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप सेल्फ टूट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन विल बी द नेक्स्ट कंपटीशन इन दोहा? ओके, बहुत जल्दी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, मे बी पॉसिबली इन नेक्स्ट मंथ। ओके, शायद इतने क्वेश्चंस अच्छा, थे। ओके, इतने क्वेश्चंस थे तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे हमारे बिगनर आर्टिस्ट के। ठीक है सर, ओके, काफी अच्छा लगा। और लाइफ को अब हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट लाइफ सेशन हम बहुत जल्द लेके आएंगे, तो जुड़े जुड़े रहिए प्लीज टोमोर के साथ। थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर एवरीवन, जॉइनिंग। थैंक थैंक यू, टाटा, नमस्ते, यू, बाय। बाय।